नागौर से यहां पर दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नागौर में चार बच्चों की डूबने से यहां पर मौत हो गई है। नागौर जिला मुख्यालय के पावर हाउस के सामने गड्ढे बने हुए थे जिसमें चारों बच्चे गिरे। उधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को नागौर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके बाद नागौर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी, इसके साथ ही एडिशनल एसपी राजेश मीणा घटनास्थल पर पहुंचे, जायजा लिया है। आपको बता दें कि नगर परिषद ने कचरा डिस्पोज करने के लिए ये गड्ढे खोदे थे जिसमें ये चारों बच्चे गिर गए और उनके यहां पर मौत हो गई है। यह स्टेडियम के सामने जो 60 लोग की बस्ती है उसमें एक बरसाती पानी में डूब के चार बच्चों की मृत्यु हुई है। इसमें दो बालिकाएं हैं, दो बालक हैं जिनकी उम्र 3 से 4 साल है। हॉस्पिटल में लेके गए उनको, जहां उनको मृत घोषित किया गया है। उनके पोस्टमार्टम की और पंचनामे की कार्यवाही जारी है। हम प्रशासन से संपर्क में हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया है और जो अन्य राहत की कार्यवाही है वो प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए शीघ्र करवाई जाएगी।